हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ संजय। वेलकम टू कंप्यूटर कंप्यूटर एकेडमी। मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन से लेके VFX एंड एनिमेशन का कोर्स सिखाता हूँ, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फोटोशॉप में लेयर मास्क को कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटोशॉप में फोटो को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, शॉर्टकट Ctrl J। उसके बाद बैकग्राउंड को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद लेयर वन कॉपी पे क्लिक करके इमेज में एडजस्टमेंट में डीसैचुरेट ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके मैं फोटो को ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से लेयर मास्क मोड से एक ऐड लेयर मास्क करता हूँ। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे एक वाइट कलर का लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रश पैनल में जाना है, ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन से जनरल ब्रश में सॉफ्ट राउंड ब्रश को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ब्रश आ जाएगा। ब्रश को छोटा करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे क्या करना है, पेंट करना है थ्रू ब्रश। सिंपली आपको रब आउट करना है इसके एजिस पे। जैसे आप देख पाओगे कि धीरे धीरे आपको एक कलर आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे फोटो हाईलाइट हो चुका है ऑब्जेक्ट्स, बट थोड़े बहुत एजिस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसे थोड़ा सा रिटच करने के लिए मैं यहाँ पे कलर को स्वैप करता हूँ। यानी कि यहाँ पे आप जैसे देख पाओगे फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है, मैं उसे कर देता हूँ वाइट। कैसे, एक्स प्रेस करने से कलर स्वैप हो जाते हैं, और यहाँ से उसे एजिस पे रब आउट करना है। एंड अगेन यू कैन सी यहाँ पे वो फिर से ग्रे स्केल में चला जाएगा, यानी कि पीछे का जो बैकग्राउंड हाईलाइट हो रहा था वो रब आउट हो जाएगा। और अपना ऑब्जेक्ट्स आप देख पाओगे इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसे हम कलर पॉपअप का नाम भी दे सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।